अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। सो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि नेशनल सेविंग का जो एटीएम कार्ड है वो काफ़ी सारे लोगों के पास आ भी चुका है और काफ़ी सारे लोग अभी भी उसको लेना चाह रहे हैं, उनको प्रॉपर वे नहीं पता है। और जिनके पास है या जिन अभी लेना चाहते हैं उनके जहन में कुछ सवाल ज़रूर होंगे जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर मुकम्मल कवर करूंगा। जैसे भी आपके सवाल होंगे, जैसे कि एटीएम कार्ड कैसे लिया जाता है, इसकी फ़ीस क्या है, कितने दिनों बाद मिलता है, तो मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बिज़नेस पेदली के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला सवाल है जी कि क्या डेबिट कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, डेबिट कार्ड को जो हासिल करने का तरीका कार कुछ यूं है। आपको अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, जो भी आपकी जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना है जिसको एटीएम फॉर्म कहा जाता है, जिसके साथ आपकी एक आईडी कार्ड की तस्वीर लगेगी। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग ब्रांच मैनेजर को दे दीजिए तो आपको जो है वो एटीएम कार्ड मिल जाएगा, जिसके लिए वाकई कुछ टाइम लगता है। तो आपको तकरीबन एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद आपको ये एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। डेबिट कार्ड कितने दिन बाद मिलता है? जब आप लोग फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो तकरीबन 15 दिनों बाद जो है वो कार्ड आपको मिल जाता है। समाओ आपको ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 15 दिनों बाद जो है वो कम से कम 15 दिनों बाद जो है वो मिल जाता है और मैक्सिमम एक महीने से ऊपर नहीं जाता। डेबिट कार्ड एक्टिवेट कैसे होगा? सो गाइस, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको नेशनल सेविंग की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करनी होगी। जब आप कार्ड ले के आते हैं तो जो वहां पे एक आपको परफॉर्मा दिया जाता है उसके ऊपर भी लिखा होता है हेल्पलाइन। आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, उनको अपना कार्ड नंबर, नाम, वालदा का नाम बताएंगे तो वो आपको आपका पिन डोनेट करने का कहेंगे, आप उसका पिन डोनेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप लोग इसकी तफसील वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता जी, क्या डेबिट कार्ड हर बैंक और पूरे मुल्क में इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ गाइस, डेबिट कार्ड जो है वो आपको पता है कि नेशनल सेविंग की कोई अपनी एटीएम नहीं है, तो ये दूसरे तमाम बैंकों की एटीएम पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बैरून मुल्क भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कीजिए। जी ऑनलाइन स्टोर से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि दराज वगैरह, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है विद इन पाकिस्तान। उसके बाद जी आपका नेक्स्ट सवाल था कि एक दिन में हम लोग कितनी रकम निकाल सकते हैं। तो गाइज, एक दिन में आप लोग मैक्सिमम 25,000 रुपये इस एटीएम डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। फिलहाल इसकी इतनी ही लिमिट रखी गई है। रिटेल स्टोर से आप लोग कितनी शॉपिंग कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि कुछ जगहों पे आप कपड़े वगैरह, जूते वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे कार्ड की फैसिलिटी होती है, तो उस वो रिटेल स्टोर कहा जाता है, वहाँ से आप लोग डेली की 1,00,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड जब कितने दिन बाद मिल जाता है? तो गाइस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेबिट कार्ड 15 से 30 दिनों के अंदर आपको मिल जाता है। कभी कभार आपको वो घर में डिलीवर कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखने में आया है कि आपको ब्रांच विजिट करना होता है और वहाँ से जाके खुद इसको कलेक्ट करना होता है। सालाना फ़ीस कितनी है जिसकी? तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इसकी सालाना फ़ीस कितनी होगी, तो इसकी फ़िलहाल सालाना फ़ीस कोई नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट आपको दिया जा रहा है इसकी तमाम सर्विसेज। कैश निकलवाने पर कितने पैसे लगते हैं? तो गाइस, कैश निकलवाने पर तकरीबन 23.44 रुपये कटते हैं। अगर आप लोग एग्जैक्ट फिगर लगाएं तो 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप लोग ट्रांजैक्शन की रसीद भी निकलवाते हैं जो कि प्रिंटेड होती है, तो उस पर आपको 2.40 पैसे की जो है वो 2 रुपये और 40 पैसे की अलग से कटौती करवानी होगी। बैरून मुल्क से रकम निकालने पर कितनी कटौती होगी? तो गाइस, बैरून मुल्क से अगर आप लोग इस एटीएम डेबिट कार्ड से रकम निकलवाते हैं तो आपकी टोटल रकम का 3% हिस्सा जो है वो आपकी कटौती होगी। चाहे वो आपकी रकम 1,00,000 रुपये है तो उस पर 3% यानी कि 3,000 रुपये आपकी कटौती बनेगी, बाकी आप लोग उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं।
बैलेंस मालूम करने पर कितनी फीस है जो गाइस, बैलेंस मालूम करने पर 3 रुपये और 13 पैसे कटौती होती है, और अगर आप लोग रसीद निकलवाते हैं तो 2 रुपये और कुछ पैसे उसकी मजीद कटौती की जाती है। बैलेंस मालूम करने की जो फीस है बरून मुल्क वो तकरीबन 150 रुपये है। क्या इस कार्ड के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाना लाजमी है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हम लोग एटीएम सेविंग अकाउंट खुलवाए बगैर इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गाइस बिल्कुल नहीं। आपको इस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाना लाजमी, क्योंकि ये आपका जो मुनाफा होता है ये सेविंग अकाउंट में ही आता है और वहाँ से आप एटीएम कार्ड से विड्रा कर सकते हैं। क्या कार्ड को एटीएम से एक्टिवेट करना होता है, यानी कि जो बाकी बैंक्स हैं उनमें ऐसा है कि आप कार्ड जब आपको मिलता है तो आपको एटीएम पे जाना होता है, वहाँ पे आपको एक कोड दिया जाता है उसको एंटर करना होता है, तो बाकी एक्टिवेशन का प्रोसेस एटीएम पे ही होता है। लेकिन इस कार्ड पे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को हेल्पलाइन पे कॉल करनी होती है और वहाँ पे बाकी फर्दर डिटेल आपको मुहैया की जाती है। उसके बारे में जो मुकम्मल तफसीलात हैं कार्ड को एक्टिवेट करने की, वो आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको तफसील से मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके बाद जी, कार्ड हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो गाइस उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तो आपको फॉर्म फिल आउट करना है और आपकी आईडी कार्ड की तस्वीर और आपका सेविंग अकाउंट होना लाजमी है। कार्ड का पिन भूल जाए तो क्या करना होगा, तो कार्ड का पिन अगर आपको भूल जाता है, जो कि इंसान है, गलती हो जाती है, तो आप दोबारा उसी हेल्पलाइन पर जिस पर आप लोगों ने पहली दफ़ा कार्ड को एक्टिवेट किया होगा कॉल करेंगे, उनको बताएंगे मैं पिन भूल चुका हूँ, तो वो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी उम्र और बाकी कुछ सवालात पूछेंगे। जवाब देने पर वो आपको दोबारा अपना पिन जो है वो उसको रीसेट करने का कहा जाएगा, तो आप अपना 2 दफ़ा पिन एंटर करेंगे तो आपका पिन जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। क्या नेशनल सेविंग का मुनाफा किसी और बैंक से लिंक कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि हम इसका जो मुनाफा है किसी और बैंक से लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको इसका जो मुनाफा है किसी और बैंक के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम अभी इतना अपडेटेड नहीं है, तो उन करीब में इंशाल्लाह शायद ये भी फैसिलिटी आपको फराहम कर दी जाएगी। क्या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा एटीएम से ले सकते हैं? जी गाइस, तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं नेशनल सेविंग के, उनका मुनाफा आप लोग जो है वो एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड से हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के सवालात और मेरे जवाबात। अगर आपका कोई सवाल फिर भी रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।